अ ब्यूटीफुल माइंड, इस फिल्म की शुरुआत होती है सन 1947 से, जब जॉन नैश नामक एक व्यक्ति प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आता है अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए। जॉन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है और प्रिंसटन में उसका एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ होता है। उसे यह स्कॉलरशिप एक दूसरे स्टूडेंट के साथ मिली होती है जिसका नाम मार्टिन हैंसन होता है। मार्टिन एक तरीके से यूनिवर्सिटी का स्टड होता है, वो पढ़ने लिखने में तो अच्छा होता ही है और बाकी चीज़ों में भी वो बहुत अच्छा होता है। वहीं दूसरी ओर हमारा जॉन, जो लोगों से ठीक से बात तक नहीं कर पाता। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन एक ग्रुप से मिलता है और इस ग्रुप में मार्टिन भी होता है, जो गलती से जॉन को बेटर समझ लेता है। मार्टिन और उसके दोस्त जॉन को एक बेवकूफ़ समझते हैं। हालांकि बाद में मार्टिन के दो दोस्त जॉन के अंडर हमें काम करते नज़र आएंगे। आगे हम देखते हैं चार्ल्स हैमर को, जो जॉन का रूममेट है और वो एक लिटरेचर का स्टूडेंट होता है। चार्ल्स की काफ़ी कोशिशों के बाद जॉन उससे बात करता है और बाद में दोनों घुल मिल जाते हैं, छत पर जाकर शराब भी पीते हैं। यहाँ पर जॉन चार्ल्स को बताता है कि वो इस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में बैठने के लिए नहीं आया है, क्योंकि क्लासरूम्स और टीचर्स ये एक लिमिट तक ही एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और क्लासरूम्स एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी पर काफ़ी असर करते हैं तथा उन्हें क्रिएटिव माइंड से सोचने की आज़ादी नहीं देते। जॉन अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए एक ओरिजिनल आइडिया तलाश कर रहा होता है। उसका ये ओरिजिनल आइडिया उसे कभी भी और कहीं भी आ सकता है। जैसे कि एक दिन जॉन कबूतरों के चलने फिरने का मोमेंट भी नोट करता है और ये देखकर मार्टिन और उसके दोस्त उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। मार्टिन जॉन को एक बोर्ड गेम के लिए बुलाता है और बहुत सारे लोग इन दोनों को खेलता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉन, जिसे सब साइको समझते हैं, पर साथ में ये सब लोग जानते हैं कि वो एक मैथमेटिक्स का जीनियस है, क्योंकि वही तो स्कॉलरशिप को लेने वाला दूसरा हकदार होता है। पर आखिर में जॉन वो गेम हार जाता है और उस गेम में कमियां निकालते हुए वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं जॉन को प्रोफेसर के साथ, जो उसे बोल रहे हैं कि अभी तक तुमने अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक तक नहीं डिसाइड किया, वहीं दूसरी ओर तुम्हारे क्लास वालों ने पेपर्स तक सबमिट कर दिए हैं। जॉन वापस से प्रोफेसर को ओरिजिनल आइडिया वाली बात बताने लगता है कि तभी वो दोनों एक कमाल का नज़ारा देखते हैं। उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो अब रिटायर होने वाले हैं और बाकी सब प्रोफेसर उनके सम्मान में अपनी अपनी कलम उनके सामने रख रहे होते हैं। जॉन और प्रोफेसर ये दोनों ये नज़ारा देखने के बाद अपनी बहस में लग जाते हैं और प्रोफेसर जॉन को आखिरी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पेपर नहीं सबमिट किए तो तुम्हें कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। प्रोफेसर की इस बात से जॉन बहुत ही परेशान और निराश हो जाता है और अपने रूम में जाकर चीखने चिल्लाने लगता है। चार्ल्स उसे शांत करता है और ये बोलकर कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, ये सुनते ही जॉन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मानो चार्ल्स को पता हो कि जॉन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिल्म का ये अगला सीन इस फिल्म की जान है, क्योंकि यहाँ से जॉन को अपनी पीएचडी का टॉपिक मिलने वाला होता है। जॉन मार्टिन और उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठा होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी जॉन मार्टिन और उसके दोस्तों के साथ होता है तब उनके साथ चार्ल्स कभी भी नहीं होता। ऐसा क्यों है ये फिल्म में हमें आगे पता चलेगा। जॉन क्लब में बैठा होता है, ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वो कुछ लड़के को देखते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सी लड़की किसे मिल सकती है। उस लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की होती है जो बाकी लड़कियों से काफ़ी सुंदर होती है। वो लड़की जॉन को ही देख रही होती है। ये देखकर मार्टिन और उसके दोस्त जॉन का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, पर जॉन उस लड़की को ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो अपनी बनाई एक थ्योरी बताने लगता है। वो बोलता है कि अगर हम सब लोग उस लड़की को अप्रोच करेंगे तो वो किसी को भी अटेंशन नहीं देगी, और उसके बाद अगर हम उस लड़की की बाकी बची दोस्तों के पास भी जाएंगे तो वो भी हमें रिजेक्ट ही करेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि वो एक सेकेंड चॉइस है। पर अगर हम पहली बार में उस लड़की को इग्नोर कर सीधे उसके दोस्तों के पास जाएं तो हमारे रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और इस तरीके से कोई भी हारेगा नहीं। जॉन अपनी कुर्सी से उठता है और चला जाता है, क्योंकि उसे उसकी पीएचडी का टॉपिक मिल चुका होता है। अगले दिन जॉन अपने प्रोफेसर के सामने बैठा होता है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। प्रोफेसर उसकी रिपोर्ट को पढ़कर काफ़ी खुश होते हैं और उसे वो बोलते हैं कि तुम्हें तो अब कहीं पर भी प्लेसमेंट मिल जाएगा, और वो उसे व्हीलर लैब का नाम सजेस्ट करते हैं। ये एक रिसर्च करने की जगह होती है और साथ ही में प्रोफेसर जॉन को बोलते हैं कि तुम दो असिस्टेंट भी रख लो। तो जॉन मार्टिन के दो दोस्तों का नाम चुनता है अपने साथ काम करने के लिए। आगे हम देखते हैं जॉन और उसके सारे दोस्त क्लब में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी चार्ल्स नहीं होता।
तभी वहाँ पर मार्टिन आता है और सारे लोग चुप हो जाते हैं। जॉन उसे भी एक ग्लास देता है और इस पर मार्टिन मुस्कुराते हुए जॉन से कहता है गवर्निंग डायनामिक्स, जो कि हमेशा जॉन बोला करता है। अब ये फिल्म 5 साल आगे जा चुकी होती है। हम जॉन को एक US मिलिट्री डिपार्टमेंट में पाते हैं जहाँ वो रशियंस के बनाए गए कोड्स को ब्रेक व समझने के लिए गया होता है। जॉन बड़ी ही आसानी से कोड ब्रेक कर लेता है और वो पाता है कि रशियंस कोई चीज़ अमेरिका में स्मगल करने वाले हैं। इस बारे में वो आर्मी हेड से पूछता भी है पर वो इस बात का अच्छे से जवाब नहीं देते। जॉन तभी उस आर्मी ऑफिस में एक काली टोपी वाले शख्स को नोटिस भी करता है, पर वो कौन है और आर्मी ऑफिस में वो क्या कर रहा होता है उसे ये बाद में पता चलता है। जॉन अपनी लैब में वापस आ जाता है और हमें पता चलता है कि जॉन बहुत ही फेमस हो चुका है और आर्मी के लोग उसे आए दिन बुलाते रहते हैं कोड ब्रेकिंग के लिए। और हमें ये भी पता चलता है कि जॉन लैब के कुछ जीनियस विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम भी करता है। शाम को जब जॉन अपने घर के लिए निकल रहा होता है तब उसे वही काली टोपी वाला शख्स अप्रोच करता है जिसे उसने आर्मी के ऑफिस में देखा होता है। वो शख्स अपना नाम विलियम पार्चर बताता है और वो कहता है कि वो डिफेंस की तरफ से है। विलियम जॉन को वेयरहाउस की तरफ ले जाता है जो कि लैब के पीछे बने होते हैं। असल में ये वेयरहाउस सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, ये एक्चुअली में होते हैं डिफेंस टीम के ऑफिस। विलियम जॉन से बोलता है कि अब आगे जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही टॉप सीक्रेट है और इसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं कर सकते। फिर विलियम आगे उसे बताता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में जिसे रशियन आर्मी US में लाने वाले हैं या ला चुके होते हैं। रशियन आर्मी के बहुत सारे स्लीपर एजेंट US में फैल चुके हैं और वो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और उस न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन डिस्कस करते हैं। विलियम ये चाहता है कि जॉन उन कोड्स को ब्रेक करे जो स्लीपर एजेंट्स न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में देते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। जॉन इस काम के लिए हाँ कर देता है और वो रेडी हो जाता है विलियम के अंडर काम करने के लिए। आगे हम देखते हैं जॉन को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में क्लूज ढूंढते हुए। तभी वहाँ पर जॉन की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की आती है, उस लड़की का नाम अलेशिया होता है। अलेशिया जॉन को बहुत पसंद करती है और वो उसे वहाँ पर डेट के लिए पूछने आई होती है। डेट पर पूछे जाने पर जॉन इधर उधर की बातें करने लगता है पर फिर बाद में वो हाँ कर देता है। जब जॉन और अलेशिया डेट पर होते हैं तो जॉन का ध्यान अलेशिया पर कम ही होता है और अपने आसपास जो खड़े लोग होते हैं उन पर ज़्यादा होता है। वो देखता दो लोगों को जो जॉन को ही देख रहे होते हैं, शायद ये एजेंट्स हैं और जॉन का पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि जॉन इन दोनों से भी अपना ध्यान हटा लेता है क्योंकि उसके साथ अलेशिया होती है। और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाता है और ये दोनों शादी भी करने वाले होते हैं जल्दी। जॉन अपना काम बहुत ही दिल लगा के करने लगता है। वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छुपे क्लूज और कोड्स को ढूंढ कर ड्रॉप आउट लोकेशन पर भेजता रहता है। ड्रॉप आउट लोकेशन एक आलीशान घर के सामने बने मेल बॉक्स में होती है जहाँ जॉन लेटर्स रखने आता है और उसे हर वक्त लगता है कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक दिन जब जॉन पार्क में बैठा होता है तब उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो जॉन को मिस्टर नैश कहकर बुलाती है। जॉन उस लड़की से उसका नाम पूछने ही वाला होता है कि तभी जॉन चार्ल्स को देखता है और उसे पता चलता है कि छोटी सी बच्ची जिसका नाम मार्सी है वो चार्ल्स की भतीजी है। मार्सी के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और अब मार्सी चार्ल्स के साथ ही रहती है। बातों बातों में जॉन एलिशिया का जिक्र चार्ल्स से कर देता है और अपनी एक दबी छुपी इच्छा भी बताता है कि उसे शादी करनी होती है एलिशिया से। चार्ल्स उसे सजेस्ट करता है कि उसे अलेशिया से शादी कर लेनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं जॉन और अलेशिया शादी करके बाहर आ रहे होते हैं चर्च से, पर जॉन का बेस्ट फ्रेंड चार्ल्स वो कहाँ है? जॉन का इतना बड़ा खुशी का मौका है और वो यहाँ पर नहीं है। आखिर ये चार्ल्स जॉन को अकेले में ही क्यों मिलता है? कहीं चार्ल्स कोई भूत तो नहीं, या फिर चार्ल्स रशियन गवर्नमेंट का कोई एजेंट तो नहीं जो जॉन से अपना कोई काम करवाना चाहता हो? इन सवालों के जवाब हमें थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। एक रात जब जॉन ड्रॉप आउट लोकेशन पर होता है तब उसे गेट पर ही विलियम मिलता है और वो जॉन को बोलता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी विलियम और जॉन के पीछे कार होती है जो उन पर गोलियां बरसाने लगती है। किसी तरीके से वो अपना पीछा छुड़वाते हैं उस कार से और कामयाब हो जाते हैं। जॉन घर आता है पर घर आने पर उसकी हालत ख़राब, वो परेशान होता है, वो रोता है और अगले दिन वो विलियम से मिलता है और उसे साफ साफ इस काम के लिए मना करता है। वो विलियम से साफ साफ कहता है कि इस काम में जान का खतरा है और मेरी तो अभी अभी शादी हुई है,
तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। विलियम इस पर कहता है कि तुम अब इस काम को क्विट नहीं कर सकते क्योंकि रशियंस तुम्हारे बारे में जानते हैं, और अगर तुमने इस काम को छोड़ा तो मैं तुम्हारे और रशियंस के बीच में से हट जाऊंगा। उसके बाद वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। इस तरह की धमकी भरी बात बोलकर विलियम वहाँ से चला जाता है। घर आकर जॉन पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद रखता है, और तो और वो अलीशा को उसकी बहन के घर भेजने की नाकाम कोशिश भी करता है। आपको क्या लगता है, अलीशा जॉन को छोड़ देगी या फिर अलीशा का भी कोई मतलब है जॉन से? इन सवालों के जवाब बस थोड़ी सी देर में हमें मिलने ही वाले हैं। आगे हम देखते हैं जॉन को एक यूनिवर्सिटी के बाहर, क्योंकि आज उसे यहाँ एक लेक्चर देना होता है। तभी उसे चार्ल्स और मार्सी भी मिल जाते हैं, और उन दोनों को देखकर जॉन थोड़ा रिलैक्स होता है, मानो बीमार को दवा मिल गई हो। और हम देखते हैं जॉन लेक्चर दे रहा होता है, तभी वहाँ बहुत सारे सूटेड बूटेड काले कपड़े में लोग आ जाते हैं। जॉन उन लोगों को देखकर भागना चालू कर देता है, वो उस रूम से भाग जाता है, पर आखिर में वो लोग जॉन को घेर लेते हैं। और अब हम देखते हैं डॉक्टर रूजन को, जो जॉन को शांत कर रहे होते हैं। और असल में ये काले सूट वाले लोग मेंटल असाइलम के वर्कर्स होते हैं, जो जॉन को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। बेहोश होने से पहले जॉन बहुत चीखता चिल्लाता है, चार्ल्स को मदद के लिए भी बुलाता है, पर चार्ल्स अपने कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचने लगता है। जब जॉन को होश आता है तब वो खुद को बेड़ियों में बंधा पाता है। डॉक्टर रोजन उसे बताता है कि वो एक मेंटल असाइलम में है, और तभी हम चार्ल्स को भी उसी रूम में बैठा पाते हैं, जो जॉन की इस हालत पर रो रहा होता है। जॉन उसे रशियन एजेंट समझने लगता है, और वो मानता है कि चार्ल्स ने उसको यहाँ पर बंद करवा दिया है। पर डॉक्टर रोजन, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, वो जॉन से कहते हैं, इस रूम में जहाँ तुम देखकर बात कर रहे हो वहाँ पर कोई भी नहीं है। जॉन की खबर सुनकर अलीशा तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर रूजन अलीशा को बताते हैं कि जॉन को एक बीमारी हो गई है, और इस बीमारी में उसका रियलिटी पर से कंट्रोल उठ चुका है। चार्ल्स, जो कि उसका एक रूममेट था ग्रेजुएशन के टाइम और अब इकलौता दोस्त, वो भी जॉन के बीमार दिमाग की एक इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर रूजन अलीशा को आगे उस मिशन और विलियम पार्चर के बारे में भी बताते हैं, जो कि जॉन ने ही डॉक्टर को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बताई होती है। अब डॉक्टर रोजन और अलीशा के बीच हो रही बातचीत में मज़ेदार बात यह होती है कि डॉक्टर अलीशा को ही जॉन के किए गए सारे काम की इन्फॉर्मेशन लाने को कहते हैं, जो कि जॉन ने मिशन के दौरान जमा की थी। ये बात सुनकर अलीशा को डॉक्टर पर ही शक होने लगता है, क्योंकि रशियंस किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब अलीशा छानबीन करने लगती है, और ऐसा करते करते वो उस बड़े से घर तक जा पहुंचती है जहां जॉन इन्फॉर्मेशन पास करने जाया करता था। अलीशा उस घर को देखती है, और वो पाती है कि घर सालों से उजाड़ पड़ा है, और जॉन के द्वारा भेजे गए सारे मैसेज, इन्फॉर्मेशन, लेटर्स वैसे के वैसे मेल बॉक्स में हैं। अब अलीशा को भी यकीन हो जाता है कि जॉन सचमुच में बीमार है, पर जॉन इस बात से एग्री नहीं करता। उसे अभी भी लग रहा होता है कि ये सब रशियंस की चाल है, ताकि वो अपना काम वक्त पे पूरा ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं जॉन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद वो अपने घर आ जाता है, पर उसकी नौकरी अब जा चुकी है, और वो सारा दिन घर पर ही बिताने लगता है। जॉन की इस हालत में भी अलीशा उसका साथ नहीं छोड़ती, वो हर वो कोशिश करती है जिससे जॉन जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। पर आगे अलीशा को पता लगता है कि जॉन ने अपनी मेडिसिन ही लेना बंद कर दी है, और वो वापस से कोड ब्रेकिंग के कामों में उलझ गया है। जॉन को विलियम वापस से दिखाई देने लग जाता है, और वापस से वो बोलता है कि तुम अपना मिशन कंटिन्यू रखो, इस देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और इसी के चलते जॉन अपने घर के पीछे ही एक शेड में अपना काम शुरू कर देता है। अलीशा ये शेड देख लेती है, और वो जॉन को कन्फ्रंट करने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि जॉन ने तो अपनी मेडिसिंस लेना बंद कर दी है। इस बात से दुखी होकर अलीशा उसके बच्चे को लेकर जाने लगती है, पर जॉन उसे रोक लेता है ये बोलकर कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे सच में एक बीमारी है। वो अलीशा से कहता है कि मार्सी की एज वैसी की वैसी है, वो कभी भी बड़ी नहीं होती। इस बात का पता चलते ही जॉन को ये यकीन हो जाता है कि उसे सच में एक बीमारी हो चुकी है। चार्ल्स, मार्सी और विलियम, ये तीनों जॉन को इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जॉन बचपन से ही अकेला होता है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, और कोई भी कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। चार्ल्स और मार्सी के रूप में उसे एक फैमिली मिली, और विलियम ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे एक बहुत बड़ा महान काम सौंप दिया था। अब जॉन तय करता है कि वो इन तीनों इमेजिनेशंस को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा, और वापस से कोई काम करेगा।
वो एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ मार्टिन उसका डीन बन चुका होता है। मार्टिन जॉन की हालत पर तरस खाता है और उसे लाइब्रेरी में एक जॉब दे देता है। फिर समय बीतने लगता है, अब जॉन एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका है। अपने दिमाग पर उसने कंट्रोल पाना सीख लिया है और लाइब्रेरी में वो बहुत ही मन लगाकर काम करता है। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं और ये देखकर मार्टिन उसे प्रोफेसर की जॉब दे देता है। अब जॉन कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन जॉन से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। आप लोगों को शायद याद होगा कि फिल्म की स्टार्टिंग में जॉन अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए एक थ्योरी बनाता है। ये नोबेल प्राइज़ उसे उसी थ्योरी के लिए मिलने जा रहा है, द इक्विलिब्रियम थ्योरी, जिसमें कोई हारता नहीं। फिल्म जॉन को नोबेल प्राइज़ मिलने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। अपनी एक अलग सोच के कारण जॉन नोबेल प्राइज़ का हकदार बनता है। मुश्किलें तो आई उसके लाइफ में, पर अपनी एक अलग और बेहतर सोच की मदद से उसने हर मैदान फतेह किया।